नीमच में आज कृषि उपज मंडी में जींसों की बंपर आवक होने से स्टेशन रोड मंडी गेट व चौकन्ना बालाजी से लेकर मंडी गेट तक दोनों ही साइड्स में जाम लग गया। कल से कृषि उपज मंडी में 3 दिन की छुट्टी होने के कारण आज मंडी में करीब 25,000 बोरी की आवक है और बड़ी मात्रा में मंडी परिसर के बाहर किसानों की लाइन लगी हुई है। किसानों का कहना है कि अभी 3 दिन बाद नीमच मंडी में छुट्टी होने के कारण आज किसानों की आवक ज्यादा हो गई। साथ ही नीमच शहर राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है, बड़ी मात्रा में राजस्थान से भी किसान अपना माल लेकर यहां आते हैं और अभी किसानों को बीज खरीदने के लिए रुपयों की जरूरत है, इसलिए किसान अपना माल मंडियों में लेकर पहुंच रहा है। मंडी में आज गेहूं की आवक 18,000 बोरी, प्याज की आवक 12,000 बोरी, लहसुन की आवक 8,000 बोरी, सोयाबीन की 6,000 बोरी, मूंगफली की 8,000 बोरी। मंडी सचिव सतीश पटेल ने कहा कि कृषि मंडी में 3 दिन छुट्टी होने के कारण आज मंडी में जाम लगा है। क्या कि जैसे कि 2-3 दिन से अब मंडी बंद रहेगी, इसके लिए आवक भी ज़्यादा है और किसानों को जैसे कि खाद बीज के लिए सब चीज़ के लिए पैसा भी है, तो अभी क्या कि नई फसल भी आई है जैसे कि सब गेहूँ सोयाबीन वगैरह वगैरह, इसलिए काफ़ी आवक है आज और 2 दिन के बंद होने से भी बहुत ज़्यादा आवक है आज। क्या मंडी में जाम की स्थिति लगी, पूरा बाहर पूरा जाम लगा हुआ है? हाँ, पूरा लगा हुआ है कि साधन रखने की जगह नहीं है मंडी में, आवक पूरे इसलिए ढेर ही ढेर कर रखे हैं। सबकी पोस्ते की मंडी है तो भी इसके सामने गेहूँ चने लगा रखे हैं ये सब, इसलिए क्या बीच शहर में होने से मंडी में जाम लगता है जब ने फैसला दिए? बीच शहर में मंडी है, हाँ इसलिए लगता है ना रोड पे, जैसे कि साधन आने जाने बसें वगैरह वगैरह, इससे बाहर हो तो साइड में तो अच्छा रहे, किसानों को फायदा रहे कि 1 घंटे 2 घंटे जाम में रुकना पड़ता है हमें, फिर इस मंडी में आना पड़ता है। देखिए आज जो है मंडी का आखिरी दिन है और अचानक जो है भावों में तेजी आई है, हर किसान भाई ये चाहता है कि उसका माल बिक जाए। हमारा भी भरपूर प्रयास है कि हर किसान भाई का माल बिके और अच्छे दामों में बिके। इस समय प्याज में और अन्य जिनसों में अचानक तेजी आई है और हम जो है थोड़ा रोक रोक के जो है माल अंदर ले रहे हैं ताकि मंडी के अंदर भी किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो और बाहर भी उनको कतारबद्ध तरीके से लगा रखा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। करीब कितने हज़ार बोरी माल आया और आज किस किस तरह की जींस आ जाएंगी? आज करीब 25,000 बोरी माल आ चुका है और जिसमें से करीब 10,000 बोरी जो है प्याज की है, बाकी दूसरी जींस। नीमच से दीपक अदाबे की रिपोर्ट।